हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं मिजोरम, और मिजोरम से आज मैं जा रहा हूं आइजोल। तो गाइस, अगर आप मिजोरम आते हैं और खासकर आइजोल के आसपास हैं तो आपको जाना चाहिए रियक में। चलिए मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है भाई साहब। वाह, ये ब्रिज जाता है रियक की ओर। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं रियक, और ये एक प्रकार का टाउन है जहां पर मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो यहां तक पहुंचने में लगभग हमें 2 घंटे का समय लग गया। अब यहां से हमें रियक पीक तक जाना है, और रियक पीक की चढ़ाई भी 1 से 1.5 घंटा लगेगी। फिलहाल यहां पर बैठे थे और एक रेस्टोरेंट आए हैं, बहुत सारे मेन्यू दिख जाएंगे इसमें से। देखिए मतलब कुछ कुछ को तो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, जैसे ये स्वच्छेयर लिखा है और सन प्यू, मतलब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो आप आते हैं तो इन सब का डिटेल ले सकते हैं, और डिटेल लेने के बाद ही खाइएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है नॉन वेजिटेरियन होती है। बहुत ही खूबसूरत चाव हमने मंगाया, ये है 50 रुपीज़ का, और इसके साथ आपको मिल जाएगा ये चाय। तो दोनों को अब हम करना, ये चाव है, और इसके ये जो चाय जैसा आप एक सामान देख रहे हैं ना, ये है सूप। तो यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है, हमारे तरह हम जैसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में फूल मसाला चटनी सॉस एक से एक चीज़ें इसमें डाल देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और हेल्दी है एक हिसाब से, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डाले गए। तो जी भाई साहब, अगर आप रियक पीक आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर है इसका एंट्री, और एंट्री का गेट फ़िलहाल बन रहा है 30 रुपये पर पर्सन लगेगा, और चाइल्ड का 20 रुपये, 10 रुपये लगेगा पार्किंग की। तो यहाँ पर हैं ये भाई साहब, ये टिकट काट रहे हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? संत्या। तो ये हैं संत्या भाई, और हमने इनसे परमिशन ली है कि हम अपना गाड़ी जो है यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि पार्किंग में कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, और हमारी गाड़ी में जो है ना बहुत सारा सामान है। तो बस रियक गांव है ना, तो गूगल मैप को आप फॉलो मत कीजिए। जैसे रियक गांव है वहां पर आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां लोकल लोगों से पूछिए चौक में, और चौक से लेफ्ट की ओर रास्ता जाता है इस पॉइंट की तरफ आने के लिए, तो उसको आप फॉलो करके आइए, अदरवाइज़ आपको भटकना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ से आपको, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको कोई भी पब्लिक व्हीकल मिलना मुश्किल है। बाबा टेस्ट वन पीस। पैर हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे, देखा आपने पीछे कैसे ना वो भैया ने मतलब उसको इल्ली को निकाला और खा लिया। मैं देख के, मेरे को बोल रहे थे टेस्ट करो भाई, मैं क्यों टेस्ट करूं यार, ये मेरे को बोल रहा था भाई। ये क्या है, ये थोड़ा जंगलों में रहते हैं तो मैंने सोचा खा सकते हैं यार। कुछ चीजों से मेरी भी फटती है। तो अच्छा अच्छा लग रहा है, अभी बहुत दिन बाद ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये जो मिजोरम में आप आएंगे ना, तो ऐसी ऐसी जगहें हैं यार जो बिल्कुल अनटच्ड है। तो देखो ना, ये एक टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पर भी बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, तो है ना यूनिक। तो भाई ये शॉप्स हैं शायद, तो ये इस तरह से खूबसूरती से ना मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बाबा और मैं प्लान कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मिला ना तो यहाँ पर कैंपिंग भी हम कर सकते हैं, एक टेंट लगाएंगे, और हमारा तो और कोई धंधा ही नहीं है, बस टेंट लगाओ सो जाओ। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, ये साक्षात यहाँ पर प्रभु जी हैं, और प्रभु जी बता रहे हैं कि इस ओर आइए, लेफ्ट की ओर आइए, ये पार्किंग एरिया, हम चले इस तरफ। ये गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, और शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप आते हैं तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। ये जगह है, और यहाँ पर जब मैंने ना वरुण सर की एक वीडियो देखी थी माउंटेन ट्रैकर की, तब भी ये जगह वैसे ही था, 5 साल पहले की वीडियो है, और आज भी वैसी की वैसी है, मतलब काम चल ही रहा है। तो गाइस मैं घने जंगलों के बीच से जा रहा हूँ फिलहाल, और बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब फिलहाल ये जंगल पड़ रहा है। तो देखो हमने ये वाला रास्ता चुना है, और यहाँ पर बहुत सारे जोंक सांप ऐसा खतरा हो सकता है, सबसे बड़ी बात है ये काई, तो आप काई से बच के चलें क्योंकि फिसलेंगे गिर जाएंगे।
तो ये देखो जंगल वाला रास्ता, और नाइस मज़े आ रहे हैं भाई मज़े। मिजोरम के एडवेंचर ट्रैक्स पे अलग ही मज़े। वो देखो कहाँ से आ रहे हैं, जंगलों के रास्ते से। मेरे को बस जोक का डर है, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं। आवाज़ सुन रहे हैं आप, और कहते हैं जंगलों से जब आवाज़ आती है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और ये डायलॉग है मेरी पसंदीदा मूवी। ये देखिए भाई साहब, ये तो एक केव है, क्या बात, अति सुंदर यार, वाह रियली मैन। ये देखिए कितना बड़ा केव है, ये शानदार। तो ऐसे छोटे छोटे शेड बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये शायद कुछ बेचने के लिए होंगे। और यहाँ पर लिखा है रियक तलांग, तलांग मतलब मेरे हिसाब से पीक होता होगा, मिन वन फाई हुई अंगची, मतलब ना इस साइड से आप आएंगे और ऐसा आपको एक जंक्शन दिखाई देगा, कूड़ा करकट है, और यहाँ पर एक बोर्ड है, और बोर्ड से हमको चलना है यहाँ पर। ये सीधा बना हुआ है, और इसके बाद हमें दिखने वाला है व्यू। और माय गॉड भाई साहब, मेरे पीछे नज़ारे देख सकते हो, इतनी खूबसूरत हवा, इतनी ठंडी हवा आ रही है, क्या बताऊं। और नज़ारे हैं कुछ ऐसे, क्या बात यार, पता नहीं कैमरा जज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसा दिख रहा है, लेकिन जो हमें आंखों से दिख रहा है ना उसका कुछ तुलना ही नहीं है। हमने देख लिया ये पीक, रियक पीक, और यहाँ से निकल रहे हैं आगे एक नई दिशा की ओर। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, और चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।